तो ये पूछ रहे हैं माहौल कैसा चल रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में पर्चे लग गए हैं कि ये जो सरकार है इसके जो कर्ताकार हैं बीजेपी के, इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, उन्होंने लिख के लगा दिया है। लेकिन उनका भी संवैधानिक अधिकार है गांव में जाना, लोगों से वोट मांगना, जिस तरह से आपका संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना, आंदोलन कर रहे हैं उसी तरह वो भी तो जा सकते हैं ना? नहीं, वो जा सकते हैं, गुंडागर्दी ऐसे मचाएंगे देश को बेचेंगे तो वो नहीं जा सकते। ताऊ 26 तारीख को 7 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, एक लंबा समय हुआ, लेकिन अब तक आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई, कैसे देखते हैं? ऐसा ये सरकार का फर्ज है हमारी मांग पूरी कर दे। क्यों 7 महीने बैठे को, अब 7 दादा हो ही चुके हैं, 7 में कोई कमी नहीं है और ये सरकार के हाथ में है। ये सरकार ही हमारे काले कानून जब वापस करेगी तो हम तब यहाँ से जाएंगे। जिस सरकार काले कानून हमारे वापस नहीं लेती उतना चिर यहाँ से कोई भी जाने का हमारा इरादा नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री है ना, हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कानून वापस नहीं करूँगा। हाँ, अलग मुद्दे पे बात कर लीजिए। ऐसा मैं मानता हूँ वो नहीं करता, वो कहता मैं नहीं करूँगा, तो देखो उसको करने दे। इस तरीके से पढ़ेंगे हमको यहाँ से 22 लेके देखो आप 22 में कितने महीने रह गए, हमारे 3 महीने रह गए, 7 हमको हो चुके हैं, तो जहाँ हमने इतना कष्ट झेला है तो मतलब 3 महीने में हम और निकाल देंगे। जब 3 महीने के बाद भी ये हम इसको जैसे बंगाल से जवाब मिला है, पंजाब से मिला है, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से मिला है, तो ये नहीं मानता तो इसको ऐसा ही जवाब हम फिर देंगे कि मतलब जो भी हमारे बैंक वोट है वो इसको जवाब जरूर देगा, और जो उस जवाब से भी नहीं बात बनती तो 24 तक भी हम बैठे रहेंगे कि मतलब हम 24 तक का अपना यहाँ से इनसे काले कानून वापस करवा के जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे नहीं। अब देखो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर से मेरी पोती का अभी फोन आया है, पोते का आया है कि पापा आप कब आओगे। पर हमने उनको ये कहा पापा मत सोचो, पापा वहाँ बैठे हैं, अब तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारी अम्मा है, उनसे मिलो। हम तो आप मोदी से, हमारी सरकार से टक्कर है, आजकल तो घर में एक पड़ोसी से टक्कर होए तो वो टक्कर आदमी नहीं ले सकता, हमारी टक्कर पूरी सरकार से हो चुकी है। अब जितना चिर ये सरकार से हम टक्कर लगाए हैं, जितना चिर हम जीतेंगे नहीं उतना चिर हम जाएंगे नहीं, बाकी हम जीत चुके हैं। क्या जीत हम कैसे चुके हैं कि मतलब हमारा जो है अब 22वें नज़दीक आ गया, उससे बाद हमारा 24 चालू हो जाएगा। तो आप लोग बोल रहे हैं कि हम 22 में जवाब देंगे। हाँ जी, लेकिन बीजेपी है वो पूरी तैयारी में है कि हम अब की बार फिर से जीतेंगे यूपी को। नहीं ऐसा है, ये तो बात अलग है, जबान से कहना और करना हाथ से इसका फर्क है, और मैं कानों से बात सुन लूँ वो दूसरी बात है, और जब मैं आँखी से देखूँ वो दूसरी बात है कि इसके जबान से तो ये जीत नहीं जाएंगे, अब तो किसी ताकत से जीतना है। अब इतनी जल्दी ये मामूली बात नहीं है। आपके गांव समाज में किस तरह का माहौल बन रहा है, वहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, किनको वोट करने के बारे में देख सकते हैं? ऐसा है ना, आप तो ये पूछ रहे हैं माहौल कैसा चल रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में पर्चे लग गए हैं कि ये जो सरकार है इसके जो कर्ताकार हैं बीजेपी के, इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, उन्होंने लिख के लगा दिया है। लेकिन उनका भी संवैधानिक अधिकार है गांव में जाना, लोगों से वोट मांगना, जिस तरह से आपका संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना, आंदोलन कर रहे हैं उसी तरह वो भी तो जा सकते हैं ना? नहीं, वो जा सकते हैं, गुंडागर्दी ऐसे मचाएंगे देश को बेचेंगे तो वो नहीं जा सकते। जिसका देश को, एक घर को, खेती को पाला जाता है, खेती की सेवा करी जाती है, तो जब खेती को बेच देंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे खेती की? जब हमारा देश ही बिक गया, हमारा देश बिक गया तो हम सेवा किस चीज़ की करेंगे? देश कहाँ बिक रहा है, आप देश बेचने की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं आपसे फिर दोबारा बात करूँगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती तो फिर क्या होगा, क्या करेगा किसान? बात सुनेगी, ये नहीं सुनेगी, दूसरी सरकार आएगी वो सुनेगी, तो ये तो सुननी पड़ेगी।
लेकिन दूसरी सरकार आए के भी वक्त है और आपका लंबा समय हो चुका है आंदोलन का, 7 महीने होने जा रहे हैं, अब तक कोई हल निकला नहीं है। नहीं, इसका हल जब तक नहीं निकलता हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ों को देखते हैं, कैसे देखते हैं? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है और मेरे ख्याल से और बढ़ने वाली है। क्या महंगाई जो बढ़ी है उसके वजह से आपके लाइफ में इफेक्ट पड़ा है? इफेक्ट तो हर इंसान जो है वो परेशान है, गरीब आदमी, उसको रोटी नसीब नहीं हो रही है, रोज़गार कोई है नहीं, हर लोग, सारी दुनिया परेशान है। लॉकडाउन में भी असर पड़ा? लॉकडाउन से तो असर पड़ेगा ही, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, बाकी इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, कोई रोज़गार नहीं, कुछ नहीं, कोई इनके पास कोई दवा नहीं गवर्नमेंट के पास। सरकार कह रही है कि देश के विकास के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं भाई, ये कोशिश तो कर रही है, विकास तो ये कह रहे थे कि बहनों भाइयों हम इसको अमरीका बना देंगे। देखिए अमरीका कैसा इसने बनाया वो भी मैं बता देता हूँ। पहला नंबर तो इसने भाई जहाज के बेच दिए, फिर इसने ट्रेनों बेची, फिर इसने लाल किला रहन में रखा और उसके बाद इसने फैक्ट्री भी सुना बंद हो गई हैं। अब अगले दिन की बात है कि 250 आदमी एक फैक्ट्री से निकलता है तो उसको पैसा भी नहीं दिया जाता। क्यों नहीं उसको पैसा दिया जाता भाई? जिससे काम करवाओगे तो पैसा दोगे नहीं। अच्छा, आप एक रिटायर फौज भी है सर? हाँ जी। तो आपने सीमा पे भी लड़ा है आप? जी जी। तो आज मोदी जी कहते हैं कि मैं सेना को मजबूत किया हूँ और देश की रक्षा के लिए मैंने राफेल खरीदा हूँ, तो देश के विकास के लिए काम कर ही रहे ना? नहीं, ये तो कह रहे हैं मतलब देश के लिए। अब ये चीन में कम से कम हमारे कितने 21-22 आदमी मरे थे, तो इधर भी हमारे कश्मीर में भी मरे थे, तो वो बाकी ये जैसे तुम कह रहे हो कि वो रक्षा कर रहे थे, आप ही कह रहे हो ना, आप ही कह रहे हो रक्षा कर रहे थे, तो वो मर गए तो उनकी अभी तक पेंशन नहीं लगी, तो क्या इसका हक नहीं बनता उस पेंशन देने का? आप हम इस बात का पत्रकार हैं, आप इस बात का हमको जवाब दो, उसका उसका हक बनता है नहीं जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर मतलब लड़ा, छाती तान के गोली खाई, तो क्या बॉर्डर के अब वो जवानों को क्या हक नहीं बनता पेंशन का या उनका पैसा लेना? क्यों नहीं बनता? आप उनको पेंशन दें, उनकी लगाएं, उनका हक उनको दें और हमारे हक के लिए जो काले कानून हैं ये वापस करें, और ये वापस नहीं सरकार करती तो ये आंदोलन आप फिर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, अब हम किसान हैं, हमारी गेहूँ भी हमने काटना है, गन्ना भी लगाना है, गन्ना हमने निकालना भी है, कि हम अब ऐसा बना है कि हमारे इससे ज़्यादा संख्या आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। एक दफ़ा वास्तव में हमारी संख्या थोड़ी सी कम हो गई थी, कम किस वजह से हुई थी, ये कोरोना कहता अच्छा, था। आप पहले फौज थे तो उस वक्त आप दुश्मन से लड़ते थे, दूसरे देश के दुश्मनों से, आप सरकार से ही लड़ने की बात करते हैं? भाई देखो जे सरकार तुम्हारे पेट की लड़ रहे हैं, सरकार न्याय करेगी तो क्या सरकार के साथ लड़ेंगे? नहीं, सरकार न्याय करेगी तो सरकार के साथ लड़ा जाएगा, उसको बचका थोड़ी जाएगा।